दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग मार्केट में कमाल कर सकते हो अगर आप लोग चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जिस चार्ट पैटर्न की बात करने जा रहे हैं वो है बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। हालांकि बियरिश फ्लैग भी चार्ट पैटर्न होता है, बेरिश फ्लैग की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बुलिश फ्लैग की बात करने वाले हैं। और बुलिश फ्लैग का आइडेंटिफिकेशन आज मैं आपको इस तरह से बताने वाला हूँ ना कि आप लाइफ में कभी भी बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न भूलने वाले नहीं हो। जब भी चार्ट पे आपको दिखेगा ये पैटर्न, आप बिना डरे ट्रेड कर पाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आप अपने भाई का चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। और इस वीडियो को लाइक करो, इस पर कमेंट भी मुझे आप लोगों से चाहिए। तो चलिए मैं हम लोग चलते हैं चार्ट पे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो ये चार्ट है हमारा निफ्टी का। देखिए इस चार्ट पैटर्न पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 3 मिनट का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा बुलिश चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके देखते हैं कि बुलिश चार्ट पैटर्न किस तरह का होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्पेस ढूंढ लेते हैं, काफ़ी हम लोग पीछे आ गए इसमें। खाली स्पेस यहाँ पे मिल गया, ओह यहाँ पे है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है कि बुलिश फ्लैग है, तो बुलिश फ्लैग होगा, बुलिश मार्केट में बनेगा और इस तरह से बनेगा, इस तरह से एक फ्लैग बनेगा, है ना। मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करेगी और फिर ये ब्रेकआउट दे देगा यहाँ पे। अब दोस्तों समझने वाली बात है, जब भी ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनेगा तो मार्केट अपने सपोर्ट जोन से, ये मार्केट के नीचे सपोर्ट जोन होगा और ये रेजिस्टेंस जोन होगा, उसका जो मूवमेंट होगा सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ होगा, इसीलिए उसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ऊपर कोई रेजिस्टेंस होगा, मार्केट को उस रेजिस्टेंस तक जाना पड़े जाना होगा और फिर रेजिस्टेंस से उसको फिर वापस आना होगा। तो ये बीच में ये फ्लैग पैटर्न बनेगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो मैं इसको आप डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ मार्केट में कि कहाँ कहाँ इस तरह से पैटर्न बने हो और उनके पीछे का लॉजिक क्या रहा है। यहाँ पे मार्केट में आज मैं ट्रेड कर रहा था, आज ही मुझे ये पैटर्न दिखा था, तो मैंने सोचा आज इसका वीडियो बना देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करो, तब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से आपको पता चलेंगे। यहाँ पे मार्केट क्या था, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा था, ये ट्रेंड लाइन है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था और मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन हुआ। जैसा हमें पता है कि अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर इस एक बार मार्केट रिट्रेस जरूर करेगा, तो मार्केट को एक बार वहां तक आना था, मतलब कि ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन तक आना था और उसके बाद ये यहां पे मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो अभी क्या है कि यहां पे जब बना है तो फिर यहां से मार्केट बुलिश हुआ है। तो जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम जनरली मैं यूज़ करता हूँ, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, तो अब हम लोग जब इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट को इस ऊपर वाली लाइन तक जाना था, मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ तक जाना था मार्केट को। लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, आप समझ लीजिएगा यहाँ तक जाना था। तो यहाँ पे ये देखिए ये बुलिश पैटर्न बना है। कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन इनको पता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश फ्लैग बनाएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग अपनी यहीं पे करेंगे। तो इस तरह से बुलिश फ्लैग बहुत जगह बनते हैं, आप लोग अपने चार्ट पे इस तरह के बुलिश फ्लैग पैटर्न हैं जो वो आप करो। इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। देखिए मार्केट में ये बनेगा बुलिश मार्केट में, जब भी मार्केट बुलिश होगी तो ये पैटर्न बनेगा। तो इस पैटर्न पे जनरली होता है क्या, गलतियां क्या करते हैं ट्रेडर्स की, इस पैटर्न पे लोग शॉर्ट कर देते हैं, उनको लगता है वो नीचे की तरफ। ऐसी गलतियां मैंने बहुत बार करी हैं, हजारों बार करी हूँ, तब पता चला है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता ही देता है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, देखिए रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी हम लोग काफ़ी पीछे आ गए, बड़ा टाइम फ्रेम अभी लगाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे फिर से वही चार्ट पैटर्न बना, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, सॉरी ये आपको रेजिस्टेंस तक जाना था, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन करके, अभी क्या है ना लोग सोचते हैं कि इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो हम शॉर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप भी किया, मैं ट्रैप के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट में किस तरह से ट्रैप कर देते हैं लोगों को, है ना, ये एक ट्रैप है मार्केट का, क्योंकि मार्केट ने नीचे दिया। लेकिन आपको पता है कि भाई बुलिश फ्लैग बनेगा तो आपको यहाँ से बुलिश पोजिशन बनानी है, तो आप जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है मार्केट, आपको एंट्री लेनी है।
ट्रेंड लाइन का इस वाली कैंडल में आप एंट्री ले लेंगे, ये वाला स्टॉप लॉस लगा लेंगे और आप ये वाला टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हो। इस तरह से जब भी बुलिश मार्केट होगी आप चार्ट पे जाओ, पीछे जाते रहो, जहाँ पे भी देखो आप बुलिश मोमेंटम आया है वहाँ पे आपको ये चार्ट पैटर्न मिल जाएगा। दोस्तों इस मैं अगले वीडियो में आपको बेरिश चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, तब तक आप अपने चार्ट को ओपन करो और उस पर चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करो। कम से कम 20 से 30 चार्ट पैटर्न आप बुलिश मार्केट में आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे तो आपका जो है कन्विक्शन बढ़ जाएगा इस चार्ट पैटर्न का, और जब आप इस चार्ट पैटर्न पर आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा तो आप हमेशा अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे, टारगेट आप अचीव भी कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।